पीएम मोदी ने एक बयान दिया है कर्नाटक मॉडल को लेकर, उन्होंने कहा हमने कर्नाटक मॉडल डेवलप किया, सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस को लटारा दी और कांग्रेस ने रातों रात फतवा सेक्युलर निकाल कर मुसलमानों को ओबीसी बना दिया। भाई बिल्कुल सही बात है, जिस तरीके से ओबीसीज का हो, बैकवर्ड क्लासेस का हो, जिस तरीके से आरक्षण को छीन कर धर्म के आधार पर देने का प्रावधान कांग्रेस और उनके सहयोगियों के द्वारा किया जा रहा है, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान स्पष्ट तौर से कहता है, जिस संविधान को डराने का ये लोग बार बार प्रयास करते हैं, जिसको लेकर कि संविधान को समाप्त कर दिया जाएगा, उस संविधान में स्पष्ट तौर से ये बात कही गई है कि धर्म के आधार पर, किसी रिलीजन के आधार पर कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता। ऐसे में कर्नाटका जैसे राज्यों में जिस तरीके से ओबीसीज का रिजर्वेशन छीन कर धर्म के आधार पर दूसरे लोगों को दिया जा रहा है, ये वही कांग्रेस और उनके सहयोगियों की सोच है, जिसमें वो धीरे धीरे आरक्षण को समाप्त कर कर और किसी एक धर्म विशेष को आगे बढ़ाने का ये लोग सोच रख रहे हैं। जो इनके पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी के वक्तव्य में भी स्पष्ट तौर से उस वक्त कहा गया था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार एक धर्म विशेष के लोगों का है, ये कांग्रेस की वही तुष्टीकरण की राजनीति है और इसको ढकने के लिए ये लोग हम लोग के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये लोग आरक्षण समाप्त करेंगे, संविधान खतरे में है, जबकि हकीकत में ये तमाम कदम कांग्रेस और उनके सहयोगियों के द्वारा उठाए गए।